किया है, इतना बड़ा नुकसान कर सकती है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि आप पीडीए के तहत चुनाव में जा रहे हैं, उसमें दलित भी है और दलित बसपा के बारे में मैं नहीं हूँ। मैडम सपा कांग्रेस की पूछ को लेकर क्या कहेंगे, अभी तक कोई सेटिंग नहीं बन पाई है? समाजवादी पार्टी के जितने भी हम लोगों को चुनाव लड़ाने हैं, हम लोग ऑलरेडी इस पे डिसीजन ले चुके हैं कि कौन कौन कहां कहां से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो मैं समझती हूँ मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भाजपा का सामना करने जा रही है। समाजवादी पार्टी की बसपा से, जैसा कि आपने बताया बसपा कहने को तैयार नहीं है, क्या गठबंधन की बात आगे जारी है? समाजवादी पार्टी बीएसपी को फिर से गठबंधन में लाना चाह रही है, इंडी गठबंधन में? मैं इस बारे में कुछ नहीं। आज समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे करके मंत्री कर रहे हैं, एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया के लगातार रिपीट किया, कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं समझती हूँ कि चुनाव के दौरान सामूहिक प्रसाद मौर्य जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है। और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं, हमेशा करते आए हैं। और जो समाज अब आप बोलेंगे, नेक्स्ट सवाल करिए। अब चप्पली पटेल जी ने भी पार्टी में रहते हुए और बगावत के सुर सामने ला दिया है कि राज्यसभा कैंडिडेट को वोटे कर ले, कहते हैं पीडीए के नाम पर छलावा कर रही है। पल्लवी पटेल जी मेरी बहन जैसी हैं और बहुत सम्मान है मेरा मेरे हृदय में उनके लिए। और समाजवादी पार्टी के सिंबल से पल्लवी पटेल जी लड़ी थी और जीती थी। हम चाहते थे कि पल्लवी पटेल की जो माता जी हैं वो भी समाजवादी पार्टी से जीते और वो भी सदन तक पहुंचे विधानसभा, लेकिन वो अपनी पार्टी के सिंबल से लड़ी और पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ी और वो सदन तक पहुंची। हमें खुशी है और आगे भी इस तरह की कोई बात होगी तो हम पूरा समर्थन करेंगे पल्लवी पीडीए का। मतलब जो है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है, तो क्या दलित और अल्पसंख्यक मेला नहीं हो सकती थी इन तीन कैंडिडेट्स में राज्यसभा की? मैं समझती हूँ बहुत छोटी लिस्ट थी तीन लिस्ट की, और आपने जो कल लिस्ट जारी हुई है आप उस लिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जो लोकसभा की लिस्ट जारी हुई आप उसकी बात करिए, आप कहाँ छोटी छोटी बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा नेताजी के समय से पीडीए की बात करी है, पीडीए के लोगों को आगे लेके आए हैं। और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो ये नहीं है कि पीडीए तक ही सीमित है, हम अगलों को भी साथ लेके चले हैं, गरीबों को भी, जो जो भी शोषित वर्ग है उन सबको लेके आगे चलते आए हैं, पीछे भी और चलते रहेंगे। लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं और अगर गठबंधन होता है तो आप सबको शामिल होने वाले राष्ट्रीय। मैं तो मीनपुरी में हूँ क्योंकि ये क्षेत्र मेरा है और मुझे नहीं पता कि क्या डिसीजन हो रहा है लखनऊ में। आप क्या इस बार मीनपुरी के समस्त लोग जो है उन्हें भरपूर प्यार दिया है, सम्मान दिया है। और मैं समझती हूँ जिस तरह पिछली बार लोकसभा सीट मीनपुरी ने समाजवादी की विचारधारा का समर्थन किया था, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पिछले वोटों से भी बढ़ चढ़ के इस बार हम जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी होगी प्रत्याशी की, वो समाजवादी पार्टी का मामला है, जल्दी आपको पता चल जाएगा कौन कहां से लड़ रहा है। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत भी जुट गए हैं, बता रहे हैं कि पहले से भी बड़ा आंदोलन होगा। विपक्षी यानी सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों का षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी जानते हैं कि किसान पूरे जो हिंदुस्तान का परेशान है और इतनी बड़ी संख्या में अगर किसान निकल के बाहर आ रहे हैं और उसमें असलों का इस्तेमाल हो रहा है, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है और इस तरह के सोनिक हम लोग सुनने में आया है कि वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि उनकी हियरिंग एज जा सकती है, मतलब सुनने की शक्ति और क्षमता जो हो सकती है उसको नुकसान पहुंच सकता है। मीडिया वालों को हमने देखा है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स टोपी लगा के हेलमेट लगा के वहां पहुंचे, लेकिन हमारा जो किसान है जो सर्दियों में बैठा हुआ है दिल्ली के, वो बिना किसी इस तरह के यंत्र पहने बैठा हुआ लगातार घायल हो रहा है। तो मेरा मानना है कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। 2000 जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तब तीन कानून वापस लिए गए थे और यह सरकार ऐसी ही है, चुनाव के हिसाब से ही अपने फैसले करती आई है, करती रहेगी। पुलिस भर्ती भी जो निकाली है आज, तो आप जानते हैं उसमें भी कितनी धांधली हुई है, पेपर पहले से लीक हो गया है। तो सरकार इस तरह जब 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 इलेक्शन आएंगे इस तरह के मुद्दे लेकर आएगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लोकसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी को ये बात भी कहनी चाहिए कि हमने कितने युवाओं को रोजगार दिया है, हम अग्निवीर की क्या व्यवस्था लेके आए हैं युवाओं के लिए, हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं,
हम खाद इतनी महंगी क्यों कर रहे हैं, हम खाद में चोरी क्यों कर रहे हैं, हम मवेशियों जो आवारा पशुओं हैं उनका समाधान क्यों नहीं ढूंढ पा रहे। तो मैं समझती हूँ बीजेपी के लोगों को ये बात भी कहनी चाहिए, इस बात को नहीं कहना चाहिए कि 80 में से 80 आए। और टेलीग्राम नहीं, अब ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार डिसाइड करेगी कि इसमें उसको एक कमेटी बना के इसकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये अन्याय होगा हमारे युवाओं के साथ अगर पेपर लीक हुआ है उसके बावजूद भी इस तरह की भर्ती आगे बढ़ती है।